धन्य है बाबा गुरु नानक, धन्य है तेरी सिक्खी। बाबा गुरु नानक ने सिक्खी की स्थापना क्यों की थी? धीरे धीरे लोगों को समझ में तो आ रहा है। जो खालसा राज आया महाराजा रणजीत सिंह का, उसकी तो आप बात ही छोड़ दो, उसका तो पूरे ब्रह्मांड में जिक्र है, पूरी दुनिया में जिक्र है, वो बीबीसी की रिपोर्ट आपके पास है। लेकिन आपने दरबार साहिब के अंदर अनेकों चमत्कार भी सुने होंगे कि बंदा व्हीलचेयर पर बैठ के आता है, अपने पैरों पर खड़ा होकर चला जाता है। आपने ये चमत्कार खूब सुने हैं, देखे हैं, और ये हुए हैं ये सब। अब सिक्खी कैसे चमत्कारिक है? अब आप एक चीज देखिए, दरबार साहिब के तो आपने दुनिया भर के सुनेंगे, लेकिन बाबा दीप सिंह जी के बारे में आप सब जानते भी होंगे। बाबा दीप सिंह जी के दर्शन करके किसी बंदे का ऐसा रोग ठीक हो जाना जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और वो बंदा है ना, तब से लेके आज तक 8 साल से ज्यादा का समय हो गया, उस बंदे को लगातार बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब में जाता है। वो लगातार सिर्फ बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा साहिब में नहीं जाता, वो हर उस गुरुद्वारा साहिब में जाता, जहां भी गुरुद्वारा साहिब होता ना, वो उसके अंदर जाता है। और ये बात कोई बनी बनाई बात नहीं बोलते, ये सबको पता है। बाबा दीप सिंह का सिर्फ किसी ने उसको बताया, उसके साथी ने बताया, और हाँ ये भी बता देते हैं भाई, वो एक हिंदू लड़का है, हिंदू लड़का है, आदमी है, हिंदू है। उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसको कैंसर होगी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई नहीं बच पाएगा। अब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसको अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। बंदा हर जगह हाथ पैर मारता, जब मुसीबत में होता ना तो पूरे हाथ पैर मारता है। कोई अगर उसको ये बता देना कि तू वहां पे चला जा, वहां पे जाके ठीक हो जाएगा, वो वहां पर भी जाता है, ये सबको पता है। उसका कोई साथी था, कोई हमारी तरह भाई, कोई सिक्खी के बारे में पढ़ता होगा या सिक्खी के बारे में जानने की इच्छा रखता होगा, उसने उसको बताया कि बाबा दीप सिंह जी दे गुरुद्वारा साहिब में जाओ, वहां पे जाके अरदास करना, अगर आपकी अरदास सुन ली बाबा दीप सिंह जी ने तो आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। क्या आप मानोगे इस चीज को? इस चीज को कोई मानेगा? लेकिन आपको दिखाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे आराम से, आप भी देखोगे कि सिर्फ बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब में जाकर बंदे ने अरदास की कि हे बाबा दीप सिंह, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल करना चाहता हूँ और जीना चाहता हूँ। ये देखो, जब वो उस बंदे ने जाकर, डॉक्टरों ने उसके दोबारा टेस्ट किए और रिपोर्ट ली, तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, नेगेटिव, जो कैंसर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। हमारे साथ तो ये बीती है भाई, हमने तो खुद ने करके देखा है कि अकाल पुरख, बस बहुत हो गया, अब इन केसों के ज्यादा चक्कर नहीं काटे जाते। और हुआ ये देखो, पीछे तक का रिकॉर्ड गायब हो गया कि आपके केस तो बहुत पहले से खत्म हो गए। ये हमारे साथ हुआ है, हम कोई बड़ी बनावटी बात नहीं बोल रहे, और ये ले आप खुद सुन लीजिए। 2016 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, इधर लिम्फोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ था, नॉन हॉजकिन कैंसर बोलते हैं उसको, और डॉक्टर्स ने मुझे सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम दिया था 2016 में। और जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था, मेरे को बहुत मुश्किलें हुई थी, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि चल नहीं पाता था। तब जाके एक मेरा दोस्त है, उसका नाम तरनजीत सिंह है, वो बोला मुझे कि अमृतसर तू जा रहा है तो बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा जाना और अपनी अरदास लगा कर आ। मैं जैसा निकला बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा गया, और उसके बाद में उधर माथा टेका, उधर रुमाल चढ़ाया और मेरा प्रॉब्लम बोला। मेरे को 2 छोटे बच्चे थे, एक 8 साल का और एक 6 साल का, और मेरी प्रॉब्लम भगवान को बताया, गुरु को बताया। और पता नहीं उसके बाद 3 महीने के बाद में जो मेरे रिपोर्ट्स आए वो पूरे नेगेटिव रिपोर्ट्स आए, और बिल्कुल भी कुछ कैंसर नहीं है बोल के बोले। उस दिन से लेके आज तक 8 साल हो गए, मैं साल में 2 या 3 बार बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा आता हूँ, दरबार साहिब आता हूँ, और पंजाब में लगभग पूरे जितने भी हो सके उतने पूरे गुरुद्वारा में आज तक जाकर आया। और गुरु का बहुत आदर है मेरे लिए, और मैं हमेशा भी, मेरे बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं जो गुरु की महिमा है हमारी फैमिली पे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे वाहे गुरु जी की फतेह। ये वीडियो है भाई, आप ये वीडियो ले सकते हो, ये नहीं कि अपने पास से कोई बात बोल रहे हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप सच्चे दिल से करना, कोई भी आप काम करते हो ना, सच्चे दिल से करना। मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी है इस चीज़ की, आपकी सुनवाई होती है, सुनवाई होती है। और अकाल पुरख के दरबार में, अकाल पुरख के दरबार में ना, अगर आप सच्चे मन से अरदास करते हो, सच्चे दिल से अरदास करते हो, आपकी सुनवाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शब्द गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, विराजमान हैं वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके सच्चे दिल से अरदास करना, आपकी सुनवाई होगी। आप अगर उनके बारे में बुरा सोचोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। ये मत समझना कि आज आप बच जाओगे उनके बारे में बुरा सोच के, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा।
एक चीज बता देता हूँ आपको, हो सके तो अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके आपको पूरा समझा सकते हैं, पूरा आराम से। जिसने भी दरबार साहिब के साथ माथा लगाया है, जिसने भी आज तक दरबार साहिब के साथ माथा लगाया ना, 153 से 154वां दिन नहीं पकड़ा है उस बंदे ने, 154वां रिकॉर्ड है, उठा के देख लो पूरा रिकॉर्ड। ये आज से नहीं, मुगल काल से लेके और आज तक, ये इतिहास उठा के देख लेना आप। जिसने भी दरबार साहिब से माथा लगाया है 154 दिन पकड़ नहीं पाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इसकी आपको कहो तो पूरी डिटेलमेंट में बता देंगे, पूरी वीडियो की डिटेल में, किस किस ने आज तक माथा लगाया था और उसका हाल क्या हुआ था। तो आप जो ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हो ना, सिखों के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हो, गलत फैला रहे हो। गुरुओं की धरती है पंजाब, गुरुओं की धरती, और विशेष तौर पर संयुक्त पंजाब। अगर आप संयुक्त पंजाब के वासी हो ना, तो आप सच्चे दिल से बाबा के सामने, गुरु के सामने अरदास करो, आपकी कबूल होगी। इस चीज़ के जीते जागते सबूत हम रहे, जीता जागता सबूत ये वीडियो है। जिस भाई को वीडियो चाहिए वीडियो ले लेना, आपको वीडियो दे दिया जाएगा। और सिर्फ ये एक सबूत नहीं, हजारों लाखों। पिछली बार जब लता मंगेशकर खुद आई थी, तो अब दुनिया में नहीं है, सुरक्षित हार गई, लता मंगेशकर दरबार साहिब में आई थी, तो उसे पैरों से चला नहीं जा रहा था। उसका तो आपने देखा होगा, लता मंगेशकर ने जब दरबार साहिब में अपना अरदास की, माथा टेका, उन्हें पैरों पे चल के गई थी, ये सबूत है। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, उन्होंने खुद ने कहा कि यहाँ पे आके एक अलग सी शक्ति प्राप्त होती है, अलग सा कुछ महसूस होता दरबार साहिब में आके। ये आपके सामने है सारा उदाहरण, सारा उदाहरण। आप खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था कि हाँ दरबार साहिब के अंदर कुछ है, जिससे कि एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है। ये आपके सामने, हर एक सबूत आपके सामने है। ये नहीं कि हम अपने पास से कोई बात बोल रहे, अपने पास से नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में कहाँ से आ रहा है। ये दिमाग में जो आ रहा है ना, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लगे रहते हैं ना, पूरे दिन दिमाग में कचरा भर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आपकी बड़े वाली प्रोफेसर बैठे रहते हैं फेसबुक के ऊपर, ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरते हैं। नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी अगर आप सही मायने में सिक्खी का इतिहास पढ़ेंगे, सिखों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। आप, मैं एक गारंटी दे रहा हूँ एक चीज़ की, 100% गारंटी है, आपके दिमाग में कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आएगी। और धन धन बाबा दीप सिंह जी, आप वहाँ पे जाइए, रुमाल चढ़ाइए या कुछ भी चढ़ाइए, आप कुछ भी करते, अगर आपके पास देने के लिए एक रुपया भी है ना, एक रुपया भी है, वो अगर आप गुरुद्वारा साहिब में देते हो ना, तो ये समझो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूखों को खाना मिलता है। एक अकेला दरबार साहिब या गुरुद्वारा साहिब ही ऐसा है, दुनिया में कहीं पर भी हो, गुरुद्वारा साहिब भूखों को खाना खिलाता है। जो दुनिया में ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा, जो बाबा नानक का लंगर है ना, वो रहती दुनिया तक चलता रहेगा। और वो इसीलिए चलता है क्योंकि वहाँ पर ये सब होता है। लेकिन इसको आप चमत्कार लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन सीधी सी बात है कि बाबा दीप सिंह जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और देखो उनका करवाया, ठीक करवाया। आपके सामने एक एक बात रखते जाते हैं, पता नहीं फिर भी कहाँ से आप इतनी नेगेटिविटी लेके आते हैं। आप एक बार सच्चे दिल से याद करना कि हे काल पुरख वाहेगुरु मेरी रक्षा करना, वो आपकी रक्षा करेंगे, इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं हम आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला, सरबत्ता भला मांगती भाई ये कौम।